त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है। 10वें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को रहुई पश्चिमी से टूसी कुमारी तो रहुई पूर्वी से प्रभा देवी और रहुई पश्चिमी से पिंकी देवी ने जिला परिषद सदस्य पद के लिए अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन का पर्चा दाखिल कर जैसे ही वे अनुमंडल कार्यालय बिहार शरीफ से बाहर निकली, उनके समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, इस कारण उन्हें पूरी उम्मीद है कि वे भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। सरकारी योजनाओं को 100% धरातल पर उतारकर लोगों के बीच सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिला परिषद से समाज के मेल से मैं नॉमिनेशन कराई हूं और आप रहूं पूर्वी जिला परिषद से। क्या मुद्दा होगा इस पर? समाज का सेवा करना है, बाल बच्चा के परिवार के सेवा की हूँ और मुझे लगती है कि सभी जनों के सेवा करूँ, जनता सबको। वर्तमान में किस तरह का विकास देख रहे हैं आप इस इलाके से बिलोंग करते हैं? वर्तमान में तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, मुझे लगता है कि समाज सेवा करूँ और अपना क्षेत्र को विकास करूँ। जिला परिषद से पश्चिमी से। क्या मुद्दा होगा इस पर? 5 साल मुखिया रहे हैं और आगे बढ़ने जनता के सेवा लगी आगे हम जिला परिषद में चुनाव किए हैं, जीत जाएंगे तो आओ 5 साल जैसे रहे हैं हंसती खेलते इसी हंसते उठते रहेंगे, फिर जनता भी साथ है खुश है। तुलसी देवी पूर्व में वर्तमान मुखिया भी हैं और रोहुई पश्चिमी जिला परिषद से जिला परिषद पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं। मेन मुद्दा हर गाँव में जल जमाव का है, समस्या है। नली गली तो बहुत बन गया, कुछ बाकी भी है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या जल जमाव का है, जो कि किसान का भी धान कट नहीं रहा है, किसान का धान अभी पानी से डूबा हुआ है, पानी का निकास बंद है। इसी मुद्दा को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं और हर गांव का प्रयास रहेगा, हर गांव का जल का निकास हो और किसान का धान कटे, रबी लग जाए। किस तरह ने जिला परिषद रहुई पश्चिमी से नॉमिनेशन करवाए हैं? क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएगा? हमने जनता के खुशहाली के लिए जो पिछले 5 साल से जो उम्मीदवार हैं वो नहीं किए हैं, हमने उनका सपना को पूरा करने के साकार करने के लिए हमने आए हैं। पहला प्राथमिकता क्या होगा आपका? पहला प्राथमिकता गरीबों एवं पिछड़ों एवं दलितों के लिए हमने काम करेंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे।